फरमाते कि जिस खेत से देखा को वो असर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो। मैं तंग हूँ बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। और इस पाकिस्तान में इन सारी नुकात के खिलाफ हमारी हुकूमतों ने, इंतजामिया ने, अदलिया ने, मुकन्निना ने इन सारी बुनियादों से बगावत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की सबसे बड़ी तोहीन इस 70 सालों में उन लोगों ने किए जो तख्त पर बैठे हैं, जो आज चमन के परलत के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिन्होंने मिसिंग पर्सन बनाए हैं, जिन्होंने फार्म 47 के तहत इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने इस मामलुकत के अंदर 7 रुपए तेल तफ्तान में बिकता है और हमारे इस शहर के अंदर वो 300 रुपए बेकार बेचा जाता है। 45 साल में अमेरिका ने ईरान का क्या बिगाड़ लिया कि तुम न्यूक्लियर पावर हो। हमारा एक आलम इस्लाम का जनरल होना चाहिए, एक वजीर खारजा होना चाहिए, एक करेंसी नोट होना चाहिए और एक निसाब होना चाहिए, एक मवासलात। इस सारी चीजों को इन 56 ममलुकतों ने किसने रोका? जमात इस्लामी उन हाथों को तोड़ने के लिए उठी है कि जिन्होंने लोगों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त को खत्म किया। मैं आपसे पूछता हूँ, आज पूरी दुनिया के जानवर एक तरफ है और पूरी दुनिया के इंसान, वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो दुनिया के किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आज यूरोप और अमेरिका के सारी यूनिवर्सिटियां स्टूडेंट्स ने छुट्टी कर दिए, ये बेगैरत अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। इन्होंने इस्लाम को बेचा, इन्होंने गजा को बेचा और हरम में जो कुछ कर रहे हैं, अमारात के अंदर जो मंदिर कायम किया है। आज अगर हम मुसलमान थोड़ी बहुत गैरत भी रखते हैं तो हमें इस सिलसिले में इकदाम उठाने चाहिए। जो इसराइल इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, जो यहूदियत का निज़ाम आज इस गरीब पाकिस्तानी मुसलमानों पर राइज है, उसको लपेटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात इस्लामी ने हाफिज नईमुर रहमान कराची के लाखों लोगों के साथ, लाहौर और इस्लामाबाद के लाखों लोगों के साथ, बलूचिस्तान के हिदायतुर रहमान ने आज साबित कर दिया कि तहरीक क्या होती है। वहाँ पर मिसिंग पर्सन का, ट्रैलर्स का, ड्रग माफिया का, एफसी और फौज, हम इस मुल्क की दिफा करने का की कुव्वत रखते हैं। मैं आपको बताऊं, दहशतगर्दी के लिए मनान चौक पे चेकिंग की बजाय सरहदों के ऊपर चेकिंग करो, ये सारी दहशतगर्दी वहां से आ रही है। नहीं कर सकते हो तो जमात इस्लामी के हवाले करो, हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर कौन दहशतगर्दी करते हैं। दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हश्र होगा और दिया बुझेगा तो सुबह होगी।